All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have completed component controls. After that, data controls, that is data grid view and data set. And after that, we have started with another category of controls, that is menus and toolbars. And within that category, we have completed one control, that is menu strip control. And along with that, we have also seen one another object, that is menu item object. कि जिसके अंदर हम मेन्यूज के अंदर जो भी आइटम्स ऐड करेंगे उसके रिलेटेड हम वो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. सो दिस वर द थिंग्स व्हिच वी हैव कंप्लीटेड विद इन लास्ट लेक्चर. सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम कैटेगरी ऑफ द कंट्रोल्स दैट इज मेन्यूज एंड टूलबार्स. फ्रॉम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल सी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, आज हम पहले देखेंगे दैट इज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल. Now this context menu strip control is a kind of a control ki jo hum right click karke jo pop up open karte hai, that menu can also be created on our form and it is possible with the help of context menu strip control. Jaise aap image mein dekh sakte ho ki maine ek context menu strip control rakha hai form ke upar and on that I have added four items, that is cut, copy, paste and select all. एंड आफ्टर दैट मैं ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल कोई फॉर्म के साथ या फिर कोई कंट्रोल के साथ अटैच कर सकती हूँ. एंड जब भी मैं वो फॉर्म के ऊपर या फिर कंट्रोल के ऊपर राइट क्लिक करूंगी, राइट, तो वहां पे मुझे ये पॉपअप मेन्यू मिलेगा. सो अगर हमें ऐसा, यहाँ तो मैंने सिर्फ कट कॉपी पेस्ट सिलेक्ट ऑल ये ऑपरेशंस यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन अगर आपको आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई और ऑपरेशंस भी लिखने हो देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट, ताकि आप कोई भी कंट्रोल के ऊपर राइट क्लिक करके उसके अंदर आप 3 to 4 ऑप्शंस देके आप यूजर के पास से कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो, राइट. सो दिस इज द थिंग व्हिच इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल. आप उसे शॉर्टकट मेन्यू भी कह सकते हो या फिर पॉपअप मेन्यू भी कह सकते हो. एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेन्यू इज वो राइट क्लिक के ऊपर ओपन होगा, राइट. नाउ जो भी प्रॉपर्टीज मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल जैसे सिमिलर है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई है. सो ऑब्वियसली वी विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप की खुद की जो प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं. सो द फर्स्ट इज अलाउ ट्रांसपेरेंसी. अगर हम राइट क्लिक करके मेन्यू ओपन करते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली जहां पे भी वो मेन्यू ओपन होगा उसके पीछे के जो भी कंट्रोल्स है या फिर जो भी यूजर इंटरफेस उतने स्पेस का होगा वो दिखाई नहीं देखा. तो अगर हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए नहीं चाहिए वो हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑटो क्लोज. अगर पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर से फोकस लॉस्ट हो जाता है, उसका एक्टिवेशन लॉस्ट हो जाता है, तो ये मेनू क्लोज हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए. बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के कोई कोई मेनू हम क्लोज नहीं करना चाहते, right? So we can set that के automatically वो close हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए. Next is opacity. अगर हम allow transparency true करते हैं तो उसके related हमें opacity set करनी पड़ेगी कि कितनी opacity के हिसाब से, कितनी transparency के हिसाब से ये particular control display होगा. Next is owner item. अगर हम ये particular menu strip, that is context menu strip control की बात करें तो उसका owner कौन है, राइट, उसका ओनर अगर मुझे गेट करना है या फिर सेट करना है तो मैं ये ओनर आइटम प्रॉपर्टी सेट कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज शो चेक मार्जिन. जैसे हमें मेनू स्ट्रिप कंट्रोल के साथ अगर मैं कोई भी मेनू आइटम को सिलेक्ट करती हूँ तो उसके साथ साथ मुझे चेक मार्क जैसा चाहिए या फिर वो रेडियो मार्क जैसा चाहिए, तो वो मेनू स्ट्रिप में पॉसिबल था. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप. तो हम यहाँ पे उसके रिलेटेड मार्जिन सेट कर सकते हैं कि फ्रॉम द लेफ्ट एज, राइट, वो चेक मार्क कहाँ पे डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट इज शो इमेज मार्जिन. अगर मुझे वहां पे मेनू आइटम के साथ मुझे छोटे आइकन्स भी चाहिए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मेनू आइटम, राइट, तो वहां पे भी मुझे इमेज की मार्जिन सेट करनी पड़ेगी दैट फ्रॉम द लेफ्ट एज, राइट, ये इमेज कहाँ पे डिस्प्ले होगी. नेक्स्ट इज सोर्स कंट्रोल. सोर्स कंट्रोल मतलब
लास्ट कंट्रोल के जिसके थ्रू ये कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल ओपन हुआ था, राइट तो अगर मुझे वो लास्ट कंट्रोल गेट करना है कि जहां पे ये कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्प्ले हुआ था, देन दैट कैन बी गेट विद द हेल्प ऑफ सोर्स कंट्रोल. नेक्स्ट इज टॉप मोस्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टॉप मोस्ट. ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि टॉप मोस्ट फॉर्म कौन सा था कि जिसके ऊपर ये कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्प्ले हुआ था, राइट. अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम टॉप मोस्ट फॉर्म गेट या फिर सेट कर सकते हैं. अनदर आर द मेथड्स एंड इवेंट्स. जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल के साथ हमने मेथड्स देखी थी, वो सारी मेथड्स तो ये कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल के साथ अवेलेबल है ही, बट अलोंग विद दैट दूसरी दो मेथड भी है. बिकॉज यहाँ पे हम राइट क्लिक के ऊपर ओपन करते हैं और कब वो मेनू क्लोज करना है वो हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस ये कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल की खुद की दो मेथड है, दैट इज क्लोज एंड शो. अगर मुझे डिफॉल्ट पोजीशन पे ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल डिस्प्ले करना है तो मैं शो मेथड कॉल कर सकती हूँ, राइट. एंड अगर मुझे वो कंट्रोल को एक्सप्लिसिटली क्लोज करना है तो मैं क्लोज मेथड कॉल कर सकती हूँ. एंड द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल इज सिमिलर टू द मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल, दैट इज क्लिक इवेंट, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल, राइट. कि जो हम एज अ शॉर्टकट मेनू यूज करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉपअप मेनू अगर हमें कोई भी फॉर्म या फिर कंट्रोल के साथ अटैच करना है तो हम ये कॉन्टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल यूज कर सकते हैं.